पूरे साल भर में जब गर्मी की छुट्टी लगती है तो मम्मी बेचैन हो जाती है मेरी कि कब आएगी तू यहाँ पे, मतलब कि मायके में। तो मैं फाइनली मायके में आ गई हूँ और ये जो रेसिपी है मेरी दादी माँ की रेसिपी है, इन्होंने बनाया था बेल का शरबत, तो मैंने सोचा क्यों ना शूट करके आप सभी के साथ भी शेयर करूँ रेसिपी। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए चैनल को, और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी रेसिपी की जो वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो यहाँ पे जो दादी है ना वो बेल का जो पल्प होता है उसे निकालती हैं, और निकाल रही हैं मतलब, और इसमें ना काफ़ी सारे बीज होते हैं, तो जितना बीज निकल पाया उतना उन्होंने निकाल दिया और बाकी बोली कि बाद में मतलब निकल जाएगा। तो बस यहाँ पे जो बेल है उसका पल्प निकाला गया है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा ये फ्रूट पसंद नहीं आता है, लेकिन इसका जो शरबत है ना बहुत डिलीशियस बना था और गर्मी में स्पेशली बहुत लाभदायक होता है। तो बस बातचीत करते हुए आजी ने सारा जो बेल है उसका पल्प निकाल दिया है। आजी दादी, मैं कभी दादी बोलती हूँ कभी आजी बोलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पल्प में ना पानी डाला, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी, और इसे ना हाथ से ही मैश करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब कि मैंने दादी को बोला कि चम्मच से मैश कीजिए, तो बोले नहीं हाथ से अच्छे से मैश होगा। और मैश करके इसका जो बीज है ना ये वाले छन्नी में उन्होंने निकाल दिया, और उसके बाद इसमें है ना मिंट मतलब कि जो पुदीना के पत्ते थे उन्हें तोड़ के डाला। आप इसमें थोड़ा सा ना नींबू का भी रस डाल सकते हो, लेकिन दादी बोली नहीं ज़रूरत नहीं है, बिना नींबू के जूस का भी अच्छा बनेगा। तो मैंने बोला ठीक है चलेगा कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो डाल सकते हो। 2 चम्मच चीनी डाला क्योंकि ये है ना बेल बहुत ज़्यादा मीठा था, और उसके बाद बस अच्छे से इसे चलाते हुए चीनी को मिक्स कर लिया। बहुत ही आसान सी रेसिपी है मतलब बेल के शरबत की, लेकिन पी के तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही डिलीशियस बना था ये पीने के बाद। तो मेरे को भी नहीं पता था, मैंने फर्स्ट टाइम पिया था ये बेल का शरबत, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, स्पेशली गर्मी में बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही हेल्दी शरबत है, बनाइए पीजिए। और प्लीज़ रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।